तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रानीज डायरी। तो स्टार्ट करते हैं। कम लेट्स गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर। माँ आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स फॉर मुनिया बट शी कैन नॉट ईट, शी इज टू स्मॉल। अब यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट हुई है एक लड़की की जो है रानी। वो अपनी फ्रेंड्स को लेके आई है कि मैं आपको अपनी न्यू बेबी सिस्टर दिखाती हूँ, और वो अपनी मामा को कह रही है कि मैं उसके लिए स्वीट्स लेके आई हूँ। तो उन्होंने उनके मामा कह रहे हैं वो नहीं खा सकती हैं क्योंकि वो बहुत छोटी हैं। आपने भी देखा होगा अगर बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो जल्दी से खाना नहीं खा सकते, जब थोड़े बड़े होते हैं तब चॉकलेट्स खाना और बाकी सब खा सकते हैं। एंड शी डजंट इवन टॉक, और वो बात भी नहीं करती। छोटे बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। तो मामा उन्हें कहती हैं जैसे जैसे वो ग्रो होंगी वैसे वैसे वो ये सब काम करने शुरू कर देंगी। जान से दिसंबर तक का टाइम अब इस तरह से नोट करती हैं रानी। 5 मार्च 2005 मुनिया वॉज बॉर्न। तो उनकी जो सिस्टर का बर्थ हुआ है, बॉर्न डे हुआ है। बॉर्न डे है उनका 5 मार्च 2005। 15 सितंबर 2005 फर्स्ट जुत। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेटअप। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप। 5 सितंबर 2005 मुनिया एट अ बनाना। 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। तो ये कुछ रानी ने अपनी डायरी में मेंशन किया है मुनिया उनकी जो छोटी सिस्टर है उसके बारे में। तो अब हम कुछ लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनकी इस डायरी के बेसिस पे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड शी वॉज देन? हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर? तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चंस मेंशन डाउन कर देती हूँ और फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं इन्हें सॉल्व करना। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड शी वॉज देन? मुनिया का फर्स्ट टूथ जो आया था वो सेप्टेम्बर में आया था, उसका जो बर्थ हुआ था वो मार्च में हुआ था। तो वो कितने मंथ ओल्ड थी सितंबर और मार्च के बीच में, क्योंकि उसका तो था 15 सितंबर को और वो बॉर्न हुई थी 5 मार्च को। तो काउंट करते हैं, मार्च में वो बॉर्न हुई थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। शी वॉज 6 मंथ्स एंड 10 डेज। तो हाउ ओल्ड वॉज शी एट दैट टाइम? मुनिया वॉज, मुनिया कितने मंथ ओल्ड थी जब उसका फर्स्ट बर्थ आया था? 6 मंथ्स ओल्ड। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वेन शी सैट अप एंड वेन शी गॉट हर टूथ? अब टूथ तो जब आया था वो 6 मंथ ओल्ड थी, तो हाउ मेनी मंथ शी वॉज ओल्ड? शी वॉज 6 मंथ्स ओल्ड जब टूथ आया था। और फर्स्ट उन्होंने पूछा है वेन शी सैट अप, और मुनिया कब बैठी थी? तो देखते हैं, मुनिया बैठी थी नवम्बर में, तो सेप्टेम्बर तक 6 मंथ्स हुए थे, अक्टूबर, नवंबर, तो दैट इज 2 मंथ्स और 8 मंथ्स। तो हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी सैट अप? जब मुनिया सैट डाउन हुई थी वो 8 मंथ्स की थी, और जब उसका फर्स्ट तो आया था वो 6 मंथ्स की थी। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट? इन कामों में से उसने पहले क्या किया है? वॉकिंग और ईटिंग अ बनाना। ईटिंग अ बनाना उन्होंने कब कर लिया था? 5 सितंबर को ही कर लिया था, और वॉकिंग उन्होंने 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट की थी। तो पहले क्या किया है उन्होंने? ईटिंग अ बनाना। तो क्रॉलिंग और स्टैंडिंग के बीच में, तो
जब वो स्टैंड हुई थी 5 जनवरी 2006 को, और क्रॉलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 20 नवंबर 2005 को ही. तो पहले उन्होंने क्या किया, क्रॉल करना, क्रॉलिंग. तो ये है रानी की डायरी के कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे. अगर आए हैं तो आप एक बार लिख सकते हैं इन्हें. तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे. रानी हैड अ पेट पपी. आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इन आईज. शी वॉच इट ग्रो लाइक दिस. आप रानी के पास एक पेट पपी है. उनकी जो जो उन्होंने किया है उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें हमें मेंशन है, और फिर हमें बाद में इनके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. तो पहले देखते हैं. आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टिंग ईटिंग. अब 3 वीक्स के बाद उस पपी का फर्स्ट टीथ आया था और उन्होंने खाना शुरू किया था. आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वूपिंग. अभी वो वॉक करना शुरू किया था उन्होंने 4 वीक्स के बाद, पर अभी भी वो कुछ लड़खड़ा के बॉल के साथ ऐसे ही चलते थे बच्चों की तरह. इट हैड फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ्स ओल्ड. जब तक पपी 7 मंथ्स ओल्ड हुआ उसके पास पूरे टीथ थे और वो बड़ा हो चुका था प्रॉपरली. एट 1 ईयर एज इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड कॉट इट ओन पपीज. और 1 साल बाद वो पपी एक ग्रोन अप डॉग हो गया था और उसके खुद के पपीज हो गए थे. Now make timeline of these dog lifeline in your notebook. Note the difference between Munya and Rani's puppy. Now, अब हम Munya और उसकी एज के बीच में डिफरेंस बनाएंगे. ये आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि वो कब बॉर्न हुए थे, क्या था, सब आप मेंशन कर सकते हैं. तो चलिए हम बनाते हैं एक टाइम टेबल. ओके, तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है और अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है मुनिया की एज और पपी की एज में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्टेड वॉकिंग. मुनिया ने कौन सी एज में स्टार्ट किया था वॉक करना? 11 मंथ्स में. आप चाहें तो आप एक बार पीछे सब देख सकते हैं कैसे कितना टाइम में किसने वॉक किया था. और पपी का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, पपी का एज कितना था? 4 वीक्स. पपी का एज 4 वीक्स और मुनिया का 11 मंथ्स. एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम. मुनिया ने कब खाया था फूड? 6 मंथ्स में. और पपी ने कब खाया? 3 वीक्स में. गॉट द फर्स्ट टूथ. सबसे पहला टूथ मुनिया का कब आया था? 6 मंथ्स में. और पपी का कब आया? 3rd week में. तो दैट इज 3 वीक्स फ्रॉम बर्थ. और ये 11 मंथ्स फ्रॉम बर्थ और ये सब फ्रॉम बर्थ एज से लेके उनके मंथ काउंट किए गए हैं. तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे. इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है. डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड. तो इसका आंसर है नो. हर एनिमल की एज, हर एनिमल का जो ग्रोथ रेट है वो अपना अपना होता है और अपने बेसिस पे होता है. तो उसके किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते. सो डू ऑल द एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड. तो आंसर होगा नो. Here are the pictures of grandfather posing for a photograph. Who looks oldest to you? अब आपकी बुक्स में बुक में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं. एक अप्पू के ग्रैंडफादर की दे रखी है जो एलिफेंट है. चुचूज रैड ग्रैंडफादर और रानी के ग्रैंडफादर की दे रखी है. तो देखते हैं. पहले मैं उनकी एजेस यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको. तो ये है उन तीनों के ग्रैंडफादर्स की एज. हु लुक द ओल्डेस्ट टू यू. बेसिकली आपसे पिक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन किया गया है कि हु लुक्स ओल्डेस्ट टू यू, कौन सबसे बुजुर्ग लग रहा है. तो मुझे तो रानी के ग्रैंडफादर लग रहे हैं. तो आपका आंसर हो सकता है रानी's ग्रैंडफादर. ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं. इनके इस डेटा के बेसिस पे हम इन्हें सॉल्व करेंगे.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। कितने ओल्डर हैं अपू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से? तो अपू के ग्रैंडफादर का क्या एज है? 95 इयर्स। और रानी के ग्रैंडफादर का क्या एज है? 70 इयर्स। तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे जिससे हमें उनकी एज का डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 70 इयर्स, तो हमें मिल जाएगा 25 इयर्स। 95 माइनस 70 इज 25। विल चुचू ग्रैंडफादर एवर ग्रो ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर? अपू के ग्रैंडफादर का एज है 95 ईयर और चुचू रैट ग्रैंडफादर का एज है 2 इयर्स। तो क्या कभी चुचू रैट ग्रैंडफादर अपू के ग्रैंडफादर के जितने हो पाएंगे? नहीं, बिकॉज जो रैट का लाइफ स्पैन होता है वो मैक्स टू मैक्स 4 इयर्स का होता है, इससे ऊपर नहीं होता, वो भी अगर पेट रैट है तो। नहीं तो अगर वाइल्ड रैट्स हैं या ऐसे ही हैं तो हार्डली 2 to 3 इयर्स ही रहता है। तो विल चुचू ग्रैंडफादर एवर ग्रो ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर? तो आंसर होगा नो। हाउ मच यंगर इज चुचूज रैट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? कितने यंगर हैं चुचू रैट के ग्रैंडफादर रानी ग्रैंडफादर से? तो डिफरेंस फाइंड करना है तो 70 माइनस 2। तो जब 70 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 68 इयर्स। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं सेक्शन के।